सुजानपुर शहर के मध्य बहने वाली पानी की गुफा की ऐतिहासिक गुफा जो कि एक चट्टान को चीरती हुई बाहर आती है। गुफा के रूप में इसके भीतर से एक तेज तरार जल की धारा बाहर निकलती है और जो युगों युगों से एक ही वेग में बहते हुए पूरे शहर के लोगों को पानी की प्यास बुझाती है। पानी कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस बात को सारा शहर जानता है कि जिस गुफा के भीतर तेज पानी बहता हुआ आता है। आपको बता दें कि इस अलौकिक प्राचीन प्राकृतिक पानी की गुफा का निर्माण महाराजा संसार चंद ने करवाया था। कला प्रेमी होने के नाते इस तरह के अनेक प्रमाण शहर में देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक पानी की गुफा की एक और सबसे बड़ी खासियत, वर्ष भर इसका पानी देखने को मिलता है। आज भी ये जगह रहस्य बनी हुई है, लोगों के आकर्षण का केंद्र और सेल्फी पॉइंट के नाम से मशहूर ये गुफा हर राहगीर का आकर्षण अपनी ओर खींचती है। स्थानीय लोगों की माने अगर पर्यटन की दृष्टि से इस स्थान को बढ़ावा मिले तो शहर में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन की दृष्टि से अन्य लोगों को भी कारोबार में भी बढ़ावा मिलेगा। शहर के व्यापारी नीतू गुप्ता ने बताया कि जब से होश संभाला है वर्तमान तक पानी का बहाव एक समान ही देखा गया है। ये प्राकृतिक गुफा है, ये जो पानी आ रहा है ये किसी को कोई पता नहीं है ये कहाँ से आ रहा है, और इस पानी का स्तर ऐसा ही बना रहता है। ये जो पानी है कभी कम नहीं होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये ऐसे का ऐसा जब से हमने होश संभाला है, पता नहीं शताब्दियों पहले से पानी चला हुआ है, हमने भी इसको ऐसे ही देखा है और ऐसे ही चलता आ रहा है। ये देख रहे हैं इसका पानी जो है ये सर्दियों में गर्म होता है और गर्मी में बिल्कुल ठंडा होता है। तो जहाँ तक हमारा सरकार से सवाल है कि इसको या तो प्राकृतिक पानी को कहीं से चैनलाइज करके शहर को भी दे सकते हैं, मगर सरकार के तरफ से भी ध्यान नहीं दिया, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको पर्यटक के हिसाब से भी थोड़ा गर्व करें कि जिससे हमारे शहर की थोड़ी आमदनी बढ़े और लोगों को ये पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलें। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है, बाकी